22 वर्षीय बालिका की 2 जुलाई को होनी है शादी, जिसको बहला फुसलाकर 14 जून को विकास कुशवाहा द्वारा घर के बाहर से बलपूर्वक अपहरण कर ले भागा। बड़ौनी थाना अंतर्गत ग्राम कुरथरा का रहने वाला विकास कुशवाहा पिता कल्याण कुशवाहा के द्वारा 22 वर्षीय बालिका को, जिसकी शादी 2 जुलाई को होनी थी, उसको बहला फुसलाकर सोना चांदी जेवरात सहित अपहरण कर 14 जून को रात को 8 बजे जब बालिका घर के बाहर थी तब बलपूर्वक बालिका को ले भागा। लड़की परिजन भी पास के सहदोरा ग्राम थाना बड़ौनी निवासी है। परिजनों को सूचना मिलते ही संबंधित सभी जगह बालिका को ढूंढने की कोशिश की, जब नहीं मिली तो थाना बड़ौनी में रिपोर्ट कराने पहुंचे तो रिपोर्ट नहीं ली गई। आज बालिका के माता पिता पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने दतिया पहुंचे, जहां आवेदन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया गया। आवेदन देते हुए माता पिता ने अपनी लड़की को ढूंढने की गुहार लगाई कि साहब हमारी लड़की की 2 तारीख को शादी है, उसे ढूंढने की कृपा करें और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी बच्ची को जल्द ही पुलिस ढूंढ लेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए लड़की को तलाशने के आदेश दिए। एक लड़का भगा के ले गया और उसी दिन से हम परेशान हैं। बड़ौनी थाने पे गए तो हमारी किसी ने सुनी भी नहीं, कहा कि तुम्हारी बदनामी होगी, और उसी दिन से हम परेशान हैं। 14 तारीख को लेके गया और आज 19 तारीख हो गई है, हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम एसपी साहब के बंगले पर आया, इधर आए तो उन्होंने हमारी सुनी। वापस आई थी आप? हाँ, और उन्होंने अच्छी कार्रवाई की और कहने लगे कि हाँ हम अच्छी तरह से तुम्हारी कार्रवाई करेंगे और सुनेंगे। क्यों नहीं सुनी उन्होंने बड़ौनी थाने पे। हम तत्काल। क्या नाम है लड़के का? लड़की का नाम विकास कुशवा है। और आपकी बच्ची का क्या नाम है? सोनिया चौहान। क्या उम्र है बच्ची की? 22 वर्ष। अच्छा, 22 वर्ष। यही 2 जुलाई को शादी आने वाली है उसकी? 2 जुलाई को शादी थी उसकी, अपहरण करके ले गया था। क्या उसकी पत्नी भी और उसकी एक लड़की भी थी? अभी जो लड़की है उसकी माँ ऑफिस आई थी, उसका कहना है कि मेरी लड़की को एक गांव का ही व्यक्ति है वो लेके चला गया है। मैंने उसकी बात को सुना और उसकी लड़की की अभी लेकिन थोड़े उसमें शादी भी है, तो उस पर मैंने अभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उसमें वो अपराध पंजीबद्ध करें। और चूंकि अभी थाना नहीं गई थी, सीधे ही ऑफिस आई है वो। पहले 1-2 दिन वो ढूंढती रही महिला, जो उसका कहना है कि मैं अपने रिश्तेदारों में ढूंढती रही, आज वो आई तो आज उसकी शिकायत के आधार पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और उसके बाद सब उसकी लड़की को खोजने का पूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।